सौरभ सिंह जी, अब इसमें बीजेपी भी तो पीछे नहीं रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने भी तो युवाओं को बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, 15 साल काफी वक्त होता है, बेरोजगारी दर आपके में ज्यादा थी जबकि अभी भूपेश सरकार में कम है, और साथ ही बेरोजगारी भत्ता देने की आपने भी बात की थी, वो भी पूरा नहीं हो पाया, तो आप भी कहीं पीछे नहीं है। देखिए, बेरोजगारी दर का जो कैलकुलेशन है वो एक किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से नहीं होता, हम ईमानदारी से बेरोजगारी दर का कैलकुलेशन करते थे, रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन है उसके हिसाब पर बेरोजगारी दर का कैलकुलेशन होगा। आप रोजगार कार्यालय के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी का जो जिला है दुर्ग जिला, उसमें भी 1 लाख के आसपास बेरोजगारों का पंजीयन है, और टोटल जो विधानसभा में यहाँ के जो मंत्री हैं उमेश पटेल जी, उनका जो जवाब आया है वो जवाब में ये चीज़ स्पष्ट है कि इतने लोग, लगभग 10 लाख के ऊपर लोग बेरोजगार हैं जिनका बेरोजगार कार्यालय में पंजीयन है, वो डाटा एक। नंबर दो, विधानसभा में मंत्री जी का जवाब है कि 18,000 रोजगार का सृजन पिछले 4 साल में हुआ है। कहाँ से बेरोजगारी दर बोल रहे हैं? बेरोजगारी दर 0.6% पे है। मैं पूछना चाहता हूं कितने उद्योग लगे? बेरोजगारी उद्योग से दूर होगी। कितने उद्योग लगे पिछले 4 साल में? कितने एमओयू थे, एमओयू के अगेंस्ट में कितने उद्योग लगे? कितने पीएससी में भर्ती हुई? कितनी व्यापम में भर्ती हुई? कहां कहां पर कितनी भर्तियां हुई? सारे भर्ती सब इंस्पेक्टर की परीक्षा से लेकर, पटवारी की परीक्षा से लेकर, सारी जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं लटकी हुई हैं। बेरोजगारी का दर जो बात कोरोना काल में कर रहे थे, छत्तीसगढ़ का मजदूर बाहर में जाके काम करता है वो तो, बेरोजगारी कितनी है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ का मजदूर को बाहर में जाकर काम करना पड़ता है, जब कोरोना आया तब समझ में आया लाखों के लाखों मजदूर वहां से जो बाहर काम करते हैं वो यहाँ छत्तीसगढ़ वापस लौट के आए, अपने घर लौट के आए, तो ये आलम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यहां से स्टूडियो से बाहर जाके रोड पे खड़े होकर देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में क्या बेरोजगारी का दर है, कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए। मैंने 15 साल का भी तो सवाल पूछा है आपसे, आप कितना रोजगार दे पाए, आप कितनी इंडस्ट्री ला पाए, आप कितने मजदूरों को रोक पाए, आप कितना भत्ता दे पाए, आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्या आपको लगता है ये जायज है? जबकि आपके पास वक्त सबसे ज्यादा था, 15 साल कम नहीं होते हैं। आप 15 साल का आंकड़ा देख लीजिए, 15 साल में कितनी इंडस्ट्री आई और 4 साल में कितनी इंडस्ट्री आई। इंडस्ट्री आई तो रोजगार का सृजन हुआ, आप इस चीज़ को देख लीजिए। 15 साल पे कितना जीडीपी की ग्रोथ हुई, छत्तीसगढ़ के बजट का टिकट साइज क्या था, आज टिकट साइज क्या हो गया? तो रोजगार तो उसमें से उत्पन्न होगा ना जब जीडीपी की ग्रोथ होगी। एक टाइम पे छत्तीसगढ़ की 11% जीडीपी की ग्रोथ थी, और जब 11% जीडीपी की ग्रोथ थी 2009, 2010 और 2011 में, तो उस जीडीपी ग्रोथ में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। आप चल के प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए। और जहां तक बेरोजगारी भत्ता की बात है, प्रॉमिस कांग्रेस पार्टी ने अपने गुंजन घोषणा पत्र में किया था कि वो 2500 रुपए देंगे जी, तो वो 2500 रुपए दे क्यों नहीं रहे? हम तो मांग रहे ना कि आप दे दीजिए युवाओं को 2500 रुपए दे दीजिए, जितने भी बेरोजगार, वो तो बोल रहे हैं 0.6 है। कितना फिगर होता है 0.6 में? बहुत छोटा फिगर होता है, बहुत ज्यादा बजट की भी आवश्यकता नहीं होगी अगर उनके हिसाब से 0.6 है। ये सरकार उसको निचले स्तर पे लाने में कामयाब तो हुई, कुछ तो प्रयास किए, मैं आती हूँ दोबारा। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।